हेलो नमस्ते, वेलकम टू चंद्रिमा कुकिंग। लोगों को पता ही है मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ घर का जो इंग्रेडिएंट्स है उससे ही बनाना। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा कुछ पूरा टाइम सबका घर में नहीं रहता है। तो आप लोग को शायद ये पसंद आएगा, आप लोग देख लीजिए। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। अगर आप लोग लाइक करते हो तो नेक्स्ट जो वीडियो करने का एक मोटिवेशन मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इसको एंड तक देखिए, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब मी और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिल। सो विद इन 10 मिनट्स में ये बन जाता है। इट्स बहुत ही टेस्टी है और फास्ट फूड और जंक फूड कुछ भी बोल सकते हो, बट मंथ में एक बार चलता है। देखिए मैं ये चिकन ले लिया है और इसको मैं नमक से क्लीन कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, हाफ टी स्पून सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस नहीं है। और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। तो अभी मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और ये सॉल्ट भी थोड़ा सा दीजिए क्योंकि सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी सॉस रहता है। तो इसके लिए समझ के पहले थोड़ा सा सॉस दीजिए। फिर मैं अभी ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो बाज़ार का है, मैंने घर में बनाया नहीं है। ये थोड़ा सा हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दीजिए तो क्या होता है जो इसका जो एक फिशी स्मेल रहता है चिकन का वो चला जाता है। तो अभी इसको मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ उसको। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, पैन चला दिया है, पैन गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर मैं बटर ऐड कर रही हूँ और बटर को थोड़ा सा ऐसे मिला लीजिए। और देखिए बटर मेल्ट हो गया है। और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। चिकन का जो पीसेस मैंने मैरिनेशन करके रख दिया है वो ऐड पूरा एक एक करके ऐड करूँगी।
1 to 2 minutes। तो हम लोगों को ये जो पैन है छोटा है, तो इसलिए दो दो करके मैं सेक लूँगी। और देखिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा बटर ले लिया है और इसको इस साइड में थोड़ा सा बटर दूंगी, क्योंकि ये बटर नहीं है तो बर्गर बन पिज़्ज़ा ये सब अच्छा नहीं लगता है। मतलब रोज़ रोज़ तो हम लोग ये खाते नहीं हैं, कभी वीकेंड में एक बार, नहीं तो मंथ में एक बार खाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बटर मतलब ज़्यादा देंगे तो अच्छा होता है, टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि बटर और चीज़ के ऊपर ही इसका असली जो टेस्ट होता है वो निर्भर होता है। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। अंदर ऐड कर रही हूँ, ऊपर सेक लिया अच्छे तरीके से। अभी इस पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे अलग अलग तरीके से, दो तरीका मैंने दिखाया कैसे आप लोग डिफरेंट तरीके से बर्गर बना सकते हो और जो काफ़ी टेस्टी होता है। अभी मैं इसको उठा लूँगी एक पात्र में। अभी देखिए जो बन है, इसको बर्गर बनाने का टाइम आ गया है और अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन और जो ऑनियन और कैप्सिकम मैंने फ्राई करके रखा था वो। और अभी मैं ऐड कर दिया है थोड़ा सा चीज़, अगेन दैट मतलब प्रोसेस्ड चीज़,
और अभी इसके अंदर दूसरा जो इसका पार्ट है वो मैं लगा रही हूँ। और अभी मैं जो दो बर्गर है ऑलरेडी हो गया है, अभी मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट्स के लिए लो सिम में पकाऊंगी, सो दैट आपका जो चीज़ है थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। इतना मेल्ट नहीं होता है बर्गर में चीज़, बट थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट होने में काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है, बिलेट में काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। मेरा स्टैंडिंग टाइम के लिए भी रख दिया है, मैं अभी आ रही हूँ सर्विंग करने के लिए। और देखिए मेरा गर्मा गर्म बर्गर रेडी है। और देखिए मैंने सर्व कर दिया है एक मेरा बच्चे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। मैं आप लोगों को भी बहुत सारे एंगल से उसको दिखा रही हूँ कि बर्गर बनाया मैंने कैसे बना, तो होप आप लोग पसंद करोगे, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स में ये बर्गर जल्दी चुटकियों में बन जाता है, विद इन 10 मिनट्स ये लगता है। और काफ़ी मतलब आप जब करोगे ये किसी को बना के दोगे तो वो आपको बहुत ही मतलब कॉम्प्लीमेंट देगा, ये तो श्योर शॉट है। एंड खाने में भी बहुत अच्छा होता है, पता है ये इतना हेल्दी नहीं है बट कभी कभी हो जाता है, अनहेल्दी भी हेल्दी होता है कभी कभी, तो टेस्टी भी इम्पॉर्टेंट है ना, कभी कभी टेस्टी भी होना चाहिए। सो ये जो बर्गर है पिज़्ज़ा है, पता है ये अनहेल्दी है बट कभी कभी वीकेंड में एक बार मंथ में एक बार आप लोग खा ही सकते हो, बहुत अच्छा लगता है बिलीव मी। और आप लोग ट्राई करना घर में ज़रूर और मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।